हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। रिसेंटली CAPF का टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया था। CAPF का एग्जामिनेशन है 2024 का 4th ऑफ अगस्त। एक जो कह लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा, तो उसको एड्रेस करते हुए ये पर्टिकुलर सीरीज हम लाने जा रहे हैं। छोटे छोटे सेशंस होंगे और आइडिया इसमें ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमें स्ट्रक्चर नहीं समझ आता है कि हमें लिखना क्या है, कैसे हम लाइक आंसर्स को फ्रेम करें, क्या क्या पॉइंट्स कैसे डेवलप करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो आंसर लिखने से पहले। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, कैसे हम उन पॉइंट्स को फ्रेम कर सकते हैं, और कैसे जो है स्ट्रक्चर लाया जा सकता है आंसर में, एसेज में, आर्गुमेंट राइटिंग में। तो उसी को लेकर जो है एक ये छोटी सी सीरीज है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो जैसे एसे में आपके 6 टॉपिक्स देता है आपको, उसमें से 4 आपको लिखने होते हैं और उसमें ब्रॉडली थीम्स हैं, ठीक है। एक सोशल इशू रहेगा, एक इंटरनेशनल बायलेटरल इशू रहेगा, एक सिक्योरिटी इशू रहेगा, एक जनरली फिलोसफिकल इशू, मतलब फिलोसफिकल टाइप ऑफ एसे रहता है, एक आपका इकोनॉमिक इशू रहता है। तो इसी तरीके से जो है हम भी जो है इस पर, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, बट आइडिया ये है कि छोटे छोटे सीरीज़ में आपके सामने लाऊं और कैसे पॉइंट्स को डेवलप करना है, क्या लिख सकते हैं, कैसे एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, कैसे आप पॉइंट्स को डेवलप कर सकते हो, स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ताकि आपका आंसर थोड़ा बेहतर हो। जो अभी मतलब प्रेजेंट नॉलेज के साथ, जो आपकी प्रेजेंट नॉलेज है, मतलब उस पे ही आप बेहतर आंसर कैसे लिख पाओगे, ये हमारी जो है कोशिश है। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे सेशंस आपको हेल्प करेंगे और मदद करेंगे एक बेहतर आंसर लिखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो ए पॉलिटिकल डिफेंस फोर्स, ठीक है, ये खास इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं। पाकिस्तान को देखिए तो पाकिस्तान में आज तक जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये कहा जाता है कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आर्मी को वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद आप म्यांमार में जो है मिलिट्री जनता का रूल देखते हैं। ये सेम जो है कहानी दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है, बट इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, डाइवर्स नेशन होने के बावजूद जो है हमारी कह लीजिए अभी तक इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं आई है। जो डिफेंस फोर्सेज हैं बहुत एपॉलिटिकल रही हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है डिफेंस फोर्सेज का एपॉलिटिकल रहना? अगर आप इस तरीके का ऐसे UPSC सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो वहाँ पर भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सेम चीज़ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिफेंस लाइक ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज का भी एपॉलिटिकल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें थोड़ा सा आप आंसर्स को देखते हैं कि कैसे आप मतलब पॉइंट्स को फ्रेम कर सकते हैं। ब्रॉड आपको आइडिया समझ आ गया, बट अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लाइक आंसर शुरू करूं, क्या पॉइंट्स जो है लिखना शुरू करूं, ठीक है। तो इसमें इस हमारी जो सेशन का मकसद है वो यही है। मैं 2 से 3 टॉपिक इसमें डिस्कस करूंगा और आपको कैसे पॉइंट्स को डेवलप करना है वो बताऊंगा, ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि लाइक जो डिफेंस पर्सनल है उनके भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके पास भी राइट टू वोट है, तो एक नॉर्मल सिविलियन सिटीजन की तरह। बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फोर्स, डिफेंस फोर्स जो है वो एपॉलिटिकल होना चाहिए। अच्छा, अब पास्ट में जब हम देखते हैं, जब राजा का सिस्टम था, किंग था, तो वही पॉलिटिकल अथॉरिटी भी था, वो मिलिट्री अथॉरिटी भी था, वो जुडिशियल अथॉरिटी भी था, तो सारी पावर्स राजा में निहित थी। बट इवेंचुअली हम देखते हैं, अगर इवन आप मुगल्स के टाइम पे देखो, मनसबदारी सिस्टम था, तो मिलिट्री कम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आज के समय पर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री आप मान लीजिए एक ही व्यक्ति में निहित है। सिमिलरली विजयनगर एम्पायर में अमरनायक सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वहाँ पर मिलिट्री और जो ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज की पावर है वो एक व्यक्ति में है। बट इवेंचुअली जब हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखते हैं तो ये सारी पावर हम अलग करते हैं। पॉलिटिकल पावर अलग है, लेजिस्लेटिव पावर अलग है, जुडिशियल पावर, मिलिट्री, सिविल सर्विसेज, तो स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं। अच्छा, अब ए पॉलिटिकल होने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो। पॉलिटिकल अवेयरनेस है, बट यहाँ पर जो है उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिक्स के बारे में जानते ही नहीं, आपको पता है, बट आप जो है
बीइंग एक प्रोफेशनल फोर्स के तरह आप काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे डायरेक्टली। देन आपका आता है इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, ब्रिटिश ने डेवलप किया आर्मी इसी तरीके से, आर्मी के सिस्टम को, कि वो नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग रहे, पर ऐसा नहीं हो पाया। अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखो या आगे 1940s में हम रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट या बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो हमें इंडिपेंडेंस मिली उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान डिफेंस फोर्सेस का माना जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ए पॉलिटिकल डिफेंस फोर्स होना डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसकी मतलब कह लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे बिल्कुल पड़ोसी देशों में है, ठीक है, पाकिस्तान है, म्यांमार है और भी बहुत सारे देश हैं। सो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने हमेशा न्यूट्रैलिटी मेंटेन की है, वो बेशक एक्सटर्नल क्राइसिस हों, इंटरनल क्राइसिस हों, ठीक है। आप मान के चलिए कि जब वॉर्स हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, या फिर इंटरनल क्राइसिस भी हैं, बेशक वो नक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है, कश्मीर इशू है, ठीक है, उस सारे चीज़ों में डिफेंस फोर्सेस जो है उन्होंने अपनी न्यूट्रैलिटी मेंटेन की है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं एक नेशनल इंटीग्रेशन है। लाइक कई बार ये कहा गया है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का, बट लाइक एज सच आपको जो है कोई भी इस तरीके का केस नहीं मिलता दैट देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट टू पॉलिटिसाइज द आर्मी और द डिफेंस फोर्सेस। अब जो हमारी कह लीजिए एक जो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी है और कहीं ना कहीं उसको कई बार वीकनेस भी कहा जाता है कि हमारी जो फोर्सेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जो साइज़ और डाइवर्सिटी की वजह से जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मिलिट्री कू हो पाए, जैसा कि आपको पाकिस्तान के केस में या और देशों के केस में मिलता है, ठीक है। क्लोज रेपो बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अ मस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट आर टू बी फर्दर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में क्लोज रेपो होनी चाहिए। ये लाइक 71 के वॉर के बाद भी कहा गया कि मिलिट्री टेक ओवर कर सकती है, ठीक है। उस समय पर भी हमारे जो आर्मी चीफ थे सैम मानेकशॉ, उन्होंने कहा इस बात को बहुत क्लियरली कहा कि नहीं, हमारा काम सिक्योरिटी है देश की और हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो वो चीज़ें जो है बहुत क्लियरली यहाँ पर कही गई हैं। तो जो ए पॉलिटिकल नेचर रहा है वो डीप रूटेड है फंडामेंटल्स के लिए, फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, स्पेशलाइजेशन की बात है। और जो है जब लाइक बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है, अगेन द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, दैट दे आर नॉट जस्ट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, देन दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन द डिप्लोमेसी आल्सो, वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रन करने में। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं वहाँ के जो डिफेंस फोर्सेस रन कर रही हैं, डिप्लोमेसी में जो है किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेशंस होंगे, उसको भी जो है डिफेंस फोर्सेस मैनेज कर रही हैं, तो उसकी वजह से ही ये सारा का सारा मेस जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है फॉर्चुनेटली इंडिया के केस में नहीं है, और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि सबका अपना अपना काम है, अपना अपना दायरा है, उसमें रह के एक चेक्स एंड बैलेंसेस, जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, और उसके चलते क्या हो रहा है कि हम बहुत अच्छी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री, बीइंग सच अ लार्ज पॉपुलेशन, हम अभी तक जो है डेमोक्रेसी को भी सर्वाइव किया है। अभी तक आपको कोई ऐसा केस नहीं मिलता कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही हैं, और इकोनॉमी हमारी अच्छी ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें ट्रैक पर हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस या सिविल सर्विसेज ब्रॉडली एपॉलिटिकल है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। अगर आप दोबारा से देखो कि शुरुआत में आपने बताया कि जी हाँ डिफेंस फोर्सेस के भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, बट पॉलिटिकल अवेयरनेस अलग चीज़ है, ए पॉलिटिकल होना अलग चीज़ है, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, ठीक है, हिस्ट्री का, देन यू केम टू द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। प्रेजेंट टाइम्स में फिर आपने रीजंस दिए कि क्यों ए पॉलिटिकल होना ज़रूरी है, रीज़न क्या है, मतलब अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, अब आप कहोगे कि नहीं जी कोई आप एग्जांपल दो कि जी हाँ वो आर्मी चीफ जो है मंत्री बने, या वो जो है आर्मी ऑफिसर जो है पॉलिटिक्स में आए, वो आफ्टर सर्विस आए हैं,
ठीक है, आफ्टर मतलब वाइल बीइंग इन द सर्विस दे आर नॉट लाइक गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स. आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू. तो आप रीजन बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्टेबिलिटी, ठीक है, इससे क्या होगा, एक जो सीधा सीधा हम कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है क्रेडिबिलिटी, और आप क्लियर कर पाएंगे कि इस काम के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय कर पाएंगे. अगर पीछे से बैकडोर एंट्री से किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर वो मतलब पावर तो है, अथॉरिटी तो है, बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि अगेन द केस विद द नेबरिंग कंट्रीज. तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं. देखो, इसका कोई फिक्स पैटर्न ऑफ आंसर नहीं है, बट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया. चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट आपका इंडियाज डिफेंस नीड्स इन अ टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो. भाई अब ये ऐसे किसी भी अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस नीड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो, या जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो कैसे आप देखते हैं डिफेंस नीड्स को. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है. इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम जो है आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें कैसे आप पॉइंट्स को डेवलप करेंगे. देखो, पहले सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड मींस ऑफ वॉरफेयर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने जो है वॉरफेयर के जो मतलब तरीका है वो बिल्कुल बदल दिया है. अब वो वर्ल्ड वॉर टू के तरीके से वॉर नहीं होगी कि ट्रेंचेस बनाई जाएंगी और मतलब कई कई महीनों तक जो है फोर्सेस वहीं पर बैठी रहेंगी. मतलब ऑब्वियसली वो भी है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं वॉरफेयर में. फिर उसके बाद आपका दो माइलस्टोन्स हैव अचीव्ड इन मिसाइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. सम बेसिक एरियाज ऑफ वॉरफेयर नीड टू बी डेवलप्ड. ठीक है, आपने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं. वो एग्जांपल कह रहे हैं कि मिसाइल में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में. ठीक है, सो नीड्स इन द न्यू न्यूक्लियर सिनेरियो. आज के समय पर जब हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, तो उस केस में जो है नई नीड्स की ज़रूरत है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस. आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है. ठीक है, किस तरीके से फेक न्यूज़, फेक नरेटिव, उसको काउंटर करना है. ठीक है, लोगों को सही जानकारी मिले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सोशल मीडिया, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पर फेक इंफॉर्मेशन फैलाकर एक इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट किया जा सकता है. काउंटर मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर नीड टू बी डेवलप्ड. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आप टेक्नोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोच रहे हो तो डोंट जस्ट थिंक ऑफ कि हाँ जी हमें लाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है या मिसाइल्स की बात करनी. तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन ये कहा जाता है कि COVID-19 वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, मतलब एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरी ये भी कहती है डिफेंस R&D शुड बी स्ट्रेंथन्ड, जिसपे कि रिसेंटली टाइम्स में काम हुआ है और बहुत काम होने की ज़रूरत है अभी तक. ठीक है, तो डिफेंस, अब डिफेंस प्रोडक्शन तो शुरू हो गई है पर R&D में अभी भी हम बहुत बहुत पीछे हैं कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या है टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में. इसमें आपका साइबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा. साइबर वॉरफेयर का एक बहुत कह लीजिए इमिनेंट थ्रेट है. टू फ्रंट वॉर, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना. तो उस केस में हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे. हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर जो है, जैसे लद्दाख में या कश्मीर में, किस तरीके से हमारी डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की, टेक्नोलॉजी की. उसके अलावा आपका ड्रोन्स है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लिखेंगे. तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कितने सारे पॉइंट आ गए आपके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, R&D, ड्रोन्स आ गए आपका, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइक इसको डेवलप करोगे आंसर को. ठीक है, तो ये है आपका एक दो छोटे से टॉपिक मैंने आपको बताए. ऐसे ही और टॉपिक्स मैं लेकर आऊँगा. प्लीज़ गिव मी द सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको ये हेल्प कर रहा है क्या, इसमें सुधार हो सकता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है बताइएगा. द आइडिया हेयर इज़ कि आपको जो है मदद मिले और आप जो है बेहतर आंसर लिख के आ सकें, प्रेजेंट नॉलेज के साथ भी जो है बेहतर आंसर लिख सकें. थैंक यू सो मच.